थॉमसन एलईडी। पेरिस डिजाइन, मेड इन इंडिया, खरीदी है एलईडी टीवी और ये अपने पड़ी है 28,537 रुपए में सिर्फ, और इसमें अपन ने 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी लगाई है 2,500 रुपए करके लगाए उसमें। तो आज इसकी अपनी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसके साथ में क्या है, इसके वाल स्टैंड का ये कुछ वाल स्टैंड के स्क्रू वगैरह है नीचे गिर गया, इनको सबको अपन साइड में रख लेते हैं। इसके बाद इसमें 2 स्टैंड इनको भी अपन यहाँ पर साइड में रख लेते हैं अभी। और इसके बाद ये रिमोट इसका बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा बटन भी नहीं है, 2 सेल है और ये कुछ इसके डॉक्यूमेंट है वारंटी कार्ड वगैरह, इनको भी साइड में रख देते हैं। तो अब इसको खोलते हैं अपन। ये रही अपनी एलईडी, बिल्कुल स्लिम है और बॉर्डरलेस है, काफ़ी बड़ी है। इसको उठाते हैं अपन। ओ मेरा हाथ भी दर्द रहने लग गया। ये है अपनी एलईडी, बॉक्स ऑफ साइड में। तो दोस्तों ये रही अपनी एलईडी, इसको पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। और खोलते हैं इसको, तो ये रही अपनी थॉमसन की 50 इंच बॉर्डरलेस एलईडी, काफी अच्छी दिख रही है और स्लिम भी है। पीछे से देखना आप, ज्यादा दूर भी नहीं रहेगी आपने वाल से, काफ़ी स्लिम है। और 9 प्रो सीरीज है ये, फुल 4K है। अब इसको चलाएंगे भी अपन, इधर साइड से भी देख लो, बिल्कुल स्लिम है। चालू करते हैं अपना इसकी केबल, ये रही। इसको चालू भी करेंगे अपन। आप ये लगा दिया अपने इसमें, इसकी रेड लाइट चल गई है नीचे। अब चालू करने के लिए इसके रिमोट में सबसे निकालते हैं अपन, इसमें कुछ धागा भी लगा हुआ है। ये रिमोट और 2 सेल इसके, रिमोट काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल छोटा और दिख रहा है कि वास्तव में ब्रांडेड है, लोकल नहीं है, सील भी पैकिंग नहीं आया इसके। तो
इसमें स्प्रिंग नहीं आई है, अपने कोई भी रिमोट रहते उसमें स्प्रिंग रहती है, लेकिन इसमें स्प्रिंग नहीं है। डायरेक्ट पता नहीं है, डायरेक्ट कुछ दे रखा है इसने। ये इसमें लगा देते हैं अपने, अपने इसको चालू करते हैं हम रिमोट से। तो पता नहीं कौन रहा रिमोट में, सेल है जानी है पता नहीं। चालू हो रहा है तो रिमोट से हुआ ही नहीं चालू। ये हो गई चालू अपनी एलईडी Samsung फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल वायरलेस, बहुत ही शानदार। ये देखिए एक नए स्टाइल से स्टार्ट होना। ये चालू हो गई अपनी एलईडी। अब इसमें क्या चलाए अपन, चलाने जैसा तो कुछ है नहीं है। काम करते हैं अपने, शादी की वीडियो चलती है तो एक काम करते हैं कि इसमें पोर्ट्स भी देख लेते हैं कौन कौन से पोर्ट है, और दोनों चीज बता देंगे आपको। देखो इसमें यूट्यूब चला है, इस तरफ से देखो आप तो दो यूएसबी है इसमें और एक लैन, और तीन एचडीएमआई दे रखी है इसमें। इसके सिवा और भी कुछ होगा इसमें ऐसे तो इसको, इसमें दो एवीआई और एक लैन केबल और ईयरफोन, यानी कि आप स्पीकर भी लगा सकते हो इसमें, और ऑप्शनल भी है इसमें, ये सारी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हो, यानी कि ऑप्शन तो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं इसमें। और बिल्कुल देखो आप बॉर्डर लेस है, बिल्कुल काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब इसमें अपन एक काम करते हैं कि इसमें एक काम करता हूँ, मैं कुछ डाटा इसमें कॉपी कर लेता हूँ, वो चलाता हूँ। देखिए यूएसबी पेन ड्राइव, हाँ पेन ड्राइव वगैरह हम चलाता हूँ। देखिए मैं अपने इसमें वाईफाई चलाएंगे अपन, देखो इसमें वाईफाई कहाँ से आता है मैं आपको बता दूँ। ये चल रही है तो ये ऊपर ऊपर इसमें जाएंगे अपन रिमोट से, और ये वाईफाई आ गया आती है अपने दादाजी ग्राफिक्स के नाम से है। इसमें चलाएंगे अपन तो पासवर्ड, पासवर्ड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 इसमें पासवर्ड डालेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अरे इसमें भी खींचे पीछे कहाँ से जाएगा, रिमोट भी अच्छा चल रहा है उस समय, वो कुछ दिक्कत हो गई थी, सेल नहीं लगे थे सही से, इस वजह से नहीं हो पा रहा कनेक्टिंग हो रहा नहीं। कनेक्ट हो गया सक्सेसफुल। अपन इसको इसमें वॉइस सर्च भी है तो वो सर्च भी कर सकते हैं अपन, इसमें बटन है वॉइस सर्च का, ये दबाओ तो ये वॉइस सर्च करता है। ये आ गया, इसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रही है, होम में आ गया अपन। यूट्यूब प्रेस द वॉल्यूम बटन डाउन एंड वॉल्यूम अप गोइंग पे रिमोट, ये टीवी रिमोट पेयरिंग हो रहा है, ये सक्सेसफुल हो गया। अब इसमें अपन होम पे जाएंगे, अब देखते हैं ये वॉइस सर्च चलता है कि चलता है। ये तो इसमें शायद पूछेगा कुछ, तो अपन बिना साइन किए करेंगे। यूट्यूब 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 इसमें अपन
गाना चला लेते हैं। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी है काफी अच्छी दिख रही है क्वालिटी पर भाई। यूट्यूब में देख प्रॉब्लम में नेट आते ही लेकिन ये 4K इस वजह से HD थोड़ी क्वालिटी कम आ रही है, तो हम ऐसा करते हैं इसकी 4K भी टेस्ट कर लेते हैं। अपने वीडियो मिक्सिंग का काम है तो अपन इसमें अभी एक 4K की फाइल बना लेते हैं और देखते हैं देखिए कैसी क्वालिटी आती है। गाइस अपन ने एक और प्रिंटर लगाई है अभी, इसमें कुछ डाटा कॉपी कर लिया अपन ने किंगस्टन के लिए। ये सेटअप या फॉर्मेट क्यों मांग रही है पता नहीं यार मेरे को, ये चलेगी कैसे ये भी मेरे को पता नहीं चल रहा है। मीडिया मैनेजर तो गाइस ये यहाँ से चलेगी मीडिया मैनेजर में जाके, मैं उस शायद वो पेंडर भी चल सकती है तो देख लेंगे अपन। तो ये मैंने एक HD की फाइल लगा रखी है, इसमें एक 4K की 30 फ्रेम प्रति सेकेंड और ये है एक और 4K की 60 फ्रेम प्रति सेकेंड। इसको चलाते हैं देखिए चलते कि नहीं चलती है। गाइस ये चल रही है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये फुल 4K है जो मैंने मिक्सर से निकल रखी है, ये चल रही है। मतलब ये हमारे ओरिजिनल में 4K ही है देख सकते हो आप। तो गाइस ये चल गई है, तो अपन इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। ये फोन 4K चल गई है, मतलब ये LED फुल 4K है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप मतलब किसी आपके मैरिज वगैरह काई की भी आप 4K भी लाते हो ना तो इसमें कंप्लीट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू, अच्छा लगे लाइक कर देना।